Hello friends, my name is Gaurav Singh. I am faculty of Mechanical and Civil Engineering Department for GATE, ES and SSCJ. Friends, we are here to study about strength of material. Some important topic about strength of material. अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम बेसिकली उस इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो सकता है उसके बारे में समझते हैं। पहली बात कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ते क्यों है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम किस टाइप्स की बॉडी को पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ, दिस इज ए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर मैं बात कर लूँ कि दैट इज बॉडी, बॉडी की बात करें कि सॉलिड बॉडी, दो तरह का हो सकता है बॉडी आपके पास, दैट इज सॉलिड बॉडी एंड दैट इज फ्लूइड बॉडी। फ्लूइड ठीक है, सपोज कीजिए दिस वन बॉडी इज द सॉलिड बॉडी, ये आपका सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी अगेन दो पार्ट में होगा। अगर मैं इस बॉडी पे लोड लगाऊं तो बॉडी के अंदर इलोंगेशन होगा, या बॉडी पे कंप्रेसिव लोड लगाऊं तो बॉडी क्या होगा, सपोज तो दैट इज बॉडी इज डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल। एंड सेकेंड वन इज द नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी जिसे हम रिजिड बॉडी भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। इसमें क्या होगा कि डिफॉर्मेबल बॉडी में किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया, सॉलिड बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया सपोज कीजिए पी से, तो बॉडी के लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, बॉडी की लेंथ लाइक इस ऐसे बढ़ेगी। ये जो लोड है ये टेंसाइल है। अगर मैंने ये बॉडी है सपोज कीजिए, मैंने इस पर लोड लगाया लाइक इन कंप्रेसिव नेचर, तो बॉडी के लेंथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, बॉडी के लेंथ में आपका डिक्रीमेंट पाया जाएगा। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेबल बॉडी, मींस लोड की वजह से, फोर्स की वजह से बॉडी के लेंथ या ब्रेथ के अंदर या हाइट के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी। सेकेंड वन इज द नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, इसमें आप अगर बॉडी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दो, कंप्रेसिव लगाओ या टेंसाइल फोर्स लगाओ, बॉडी कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स, बॉडी के लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब कोई भी चेंजेस देखा नहीं जाएगा, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी। जो डिफॉर्मेबल बॉडी है जिसकी हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम डिफॉर्मेबल बॉडी को पढ़ते हैं, किस बुक में इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, दैट इज मोर, एंड आल्सो इट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं, दैट इज मोर, एंड दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दैट इज मास। अनदर बॉडी इज दैट इज रिजिड बॉडी, दिस विल बी स्टडीड इन आवर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो हम बेसिक पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, हम बॉडी को मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लूइड। फ्लूइड दो तरह का होगा, फ्लूइड बेसिकली हम मेनली फ्लूइड दो को बोलते हैं, या तो लिक्विड होगा सपोज कीजिए लिक्विड, एंड सेकंड वन दैट इज गैस, इसे हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड दैट इज लिक्विड एंड गैस दोनों को ही फ्लूइड कहा जाता है। दो तरह के होंगे फ्लूइड, दैट इज कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लूइड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड वाटर मतलब लिक्विड इज, लिक्विड की अगर मैं बात करूं, लिक्विड में सपोज कीजिए वाटर, वाटर इज ट्रीटेड एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एंड गैस इज ट्रीटेड एज कंप्रेसिबल फ्लूइड, जिसे आप देख रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड देयर चार्ट एज वी हैव स्टडी अबाउट दिस। अब हम स्टार्ट करते हैं काफी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्ट्रेंथ इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर आता है, हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एसएससी जेईई एग्जाम और स्टेट जेईई के एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए ये आपका कोई स्ट्रक्चर मेंबर है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर मेंबर, ये स्ट्रक्चर मेंबर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें दैट इज हॉरिजॉन्टली क्लैंप है। दूसरी बात, हम स्ट्रक्चर को वर्टिकली भी क्लैंप कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर को वर्टिकली क्लैंप करोगे। यहां पर क्या होगा कि सेक्शंस को अगर मैं बात करूं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ बात देखे, ये सेक्शंस है, इस सेक्शन की मैं बात करूं दैट इज क्यूबॉइडल शेप का, अगर मैं सेक्शन बनाऊं स्ट्रक्चर या इस डेप्थ में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉडी को क्लैंप करके, सपोज दीजिए बॉडी को क्लैंप करते हैं, फिक्स करते हैं इस बॉडी को, और इसको स्लाइस किया जाता है, कट करेंगे, इन कट करोगे लाइक दिस, इस तरह से आप काटोगे बॉडी को,
सपोज कीजिए इस तरीके से बॉडी को हमने काटा, इस तरीके से हमने बॉडी को काटा, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे इसके, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस। हर एक बॉडी का अपना अपना सेंट्रल और सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ होंगे, इस बॉडी के सेंटर पे हमेशा इसके सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, दैट इज C1, दैट इज C2, इस बॉडी का C3 एंड सो ऑन अप टू द इनफाइनाइट। अब हर एक सेंट्रोइडल एक्सिस को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन, ऐसा कोई लाइन होता ही नहीं है, उस लाइन को हम एज्यूम करते हैं, इस सेंट्रोइडल एक्सिस को मैच करने वाले इमेजिनरी लाइन को हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। बट ध्यान रखना दोस्त, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कोई फिजिकल मतलब नहीं है, हमारा फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे लाइफ में, ना ही हमारे बॉडी में, ये इमेजिनरी लाइन है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से ड्रॉ करता है, दैट इज जॉइनिंग ऑफ द डिफरेंट स्लाइस बॉडी ऑफ मैचिंग देयर सेंट्रोइडल एक्सिस। बहुत सारे सेंट्रोइडल एक्सिस को मैच करके एक इमेजिनरी लाइन को हम बनाते हैं। ध्यान रखना, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ऐसा कोई लाइन होता ही नहीं है, इमेजिनरी लाइन, बस हम इसको रेफरेंस पर्पस के लिए पढ़ते हैं। सपोज कीजिए ये दैट इज लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर मेंबर का, दिस स्ट्रक्चर मेंबर हैडिंग इसे ब्रेक करता है, ये आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो, दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ दिस वन। इसका कटआउट कट कीजिए, ये कट कर दिया मैंने बड़ी बड़ी फाइनाइट नंबर्स ऑफ कट दिखेगा आपको, तो दैट इज C1 C2 C3 C4 सो ऑन। तो इससे मैच करने वाला एक लाइन जो ड्रॉ होगा, दैट लाइन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल लाइन, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब मैं बात करता हूं, अगर दिस लाइन दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड हम एक फोर्स लगाते हैं, दैट इज P। अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग के पर फोर्स लगाओगे, दैट इज P1, इसको बोला जाता है दैट इज P1 का एक्सियल टेंसाइल लोड, दैट इज एक्सियल टेंसाइल लोड, या अगर बॉडी का अगर कंप्रेसिव होगा, दैट इट इज कॉल्ड एक्सियल टेंसाइल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। दूसरा, अगर मैंने लोड इस पे लाइक दिस ऐसा लोड लगाया, आप देख सकते हैं इस लोड को, दैट इज सपोज कीजिए P2, इसे बोला जाएगा दैट इज P2, that is transverse shear load. This was the shear load. That means, अगर मैं P1 की बात करूं, this is an axial load, and that is called as shear load. That is axial load and shear load. अब बात करते हैं, that is P1 is an axial tensile load and P2 is a transverse shear load. This is called as transverse shear load. तो axial load को हम बोला जाए, axial load होता है, that is along, मैं बोल सकता हूँ along to longitudinal axis, देख सकते हैं आप longitudinal axis के along है, या कुछ को किसको बोलता है, that is perpendicular to plane of cross section। आप ये cross section suppose कि ये कोई bar है, that is इसका plane of cross section circular होगा, तो perpendicular to plane of cross section, that is called as axial। अब shear load, that is shear load को बोला जाता है, that is perpendicular to longitudinal axis, ये longitudinal axis के perpendicular है, या आप इसको बोल सकते हो parallel to plane of cross section, ये cross section, plane of cross section like this way, ये plane of cross section के parallel, that is called shear load, or this is a plane of cross section along, that is a called axial load. This is all about coordinate system of that is loading diagram. अगर हम बात करें coordinate system longitudinal और shear load के अराउंड, अच्छा इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये जो देख रहे हैं दैट इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस करते हैं। अगर हम आगे चीजों को इलैबोरेट करने की कोशिश करें कि किसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, हम समझते हैं बॉडी को। सपोज कीजिए अगेन दिस फोर्स इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर SSC JEE and state JEE exam, यहाँ से number of question पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस structure member का, तो this one is the that is along longitudinal axis, तो मैं इसे बोल सकता हूँ P force को बोल सकता हूँ axial load, axial tensile load, क्यों tensile, क्यों, क्योंकि member के एरो बाहर की तरफ tension में axial tensile load है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ this is a P, this one P1, this is P2, ये P1 था ये P2, that is ये शियर लोड बोला जाता है, शियर लोड, इसको ट्रांसवर्स शियर लोड बोलते हैं। अब बात ये होता है कि हम इस P2 को हटा के एक लोड यहाँ पे ना करके हम जो लोड लगाने वाले इस मेंबर पे लाइक दिस वन, यहाँ पर P3 लगाते हैं लाइक दिस, तो अगर आप देखोगे P3 इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी है,
called eccentric axial load. This is called eccentric axial tensile load या eccentric axial tensile load. इसकी eccentricity मतलब हो गया center से, मतलब transverse basically longitudinal axis के center से इसकी कितनी distance है वो eccentricity denote करता है यहाँ पे. अगर आप देखोगे तो that is called as P3 is called as eccentric axial tensile load. In a similar fashion, अगर आप बात करो that is P4, तो P4 is called as that is eccentric tensile shear load. मतलब आप देख सकते हो ये eccentricity suppose कीजिए center से P है. तो कहने का मतलब eccentric axial tensile load की अगर मैं बात करूँ that is parallel to longitudinal axis, eccentric tensile axis that is perpendicular to longitudinal axis but not passing through longitudinal axis. Longitudinal axis से वो pass नहीं करना चाहिए. इन सभी का हम concept का use करेंगे. हमने concept में कि देखेंगे कौन सी force body को structure member को bend करेगी, कौन से force की वजह से body के अंदर twisting moment generate होगा या twisting couple generate होगा, और ये decide करने में काफी important होगी अपने को. ये forces के बारे में हम discuss करते हैं. एक छोटा सा important example लेते हैं और इसको better way में हम चीजों को समझ पाएंगे. सपोज कीजिए ये कोई स्ट्रक्चर कैंटिलीवर बीम, दिस वन इज अ कैंटिलीवर बीम. अगर आप देख रहे हैं दिस वन इज अ कैंटिलीवर बीम. यहां पर अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिएगा यहां पर मैं अगर बात करूं दिस वन इज अ ये स्ट्रक्चर में, पर यहां पर हमने पी लोड लगाया. सपोज कीजिए पी लोड लगाया. अब आपका ये क्वेश्चन ये है कि ये जो पी लोड है इस स्ट्रक्चर मेंबर पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा या ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, इसके बारे में हम समझते हैं. ध्यान से देखिएगा ये जो P है, पहली बात जो ये जो लोड लग रहा है आप देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर ये लोड है दैट इज इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड. दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड. हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं. रिजॉल्व करने का मतलब हम इसमें इस फोर्स को शिफ्ट करते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में. यहां पर शिफ्ट कीजिए P1, इसको शिफ्ट कीजिए दैट इज P2. सेम नेचर का ध्यान रखना क्योंकि बॉडी आपका अनबैलेंस नहीं होना चाहिए. P1 P2, अब देखिए P1 = P2 = P, ये सभी एक नेचर के हैं. अब ध्यान से देखोगे अब ये नेचर हो गया क्योंकि अभी भी बैलेंस है. देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है. बॉडी के पास जो मेंबर है ये बेसिकली बैलेंस है. आप ध्यान से देखिए ये फोर्स और ये फोर्स, मतलब हम बात करें P and P2 फोर्स की बात करोगे तो एक कपल जनरेट करेगा लाइक दिस वे दैट इज अ बेंडिंग कपल. मतलब आप देखोगे यहां की वजह से बॉडी क्या हो जाएगा, बेंड होगा. ये दोनों के अंदर बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा दैट इज कॉल्ड P × eccentricity. यहां से बॉडी के डिस्टेंस गिवन होगा. सपोज कीजिए यहां से यहां तक बॉडी E है दैट इज कॉल्ड एक बेंडिंग कपल जनरेट करेगा एंड साथ के साथ दैट इज ए एक्सियल टेंसाइल लोड भी जनरेट करेगा. ये दोनों क्रिटिकलाइज हो गया बता ये. तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से एक बेंडिंग मोमेंट होगा और एक क्या होगा एक्सियल लोड का जनरेशन होगा. मतलब बॉडी के अंदर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड होगा. इसेंट्रिक लोड की वजह से मेंबर के अंदर बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल लोड होगा. तो आगे की कहानी दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट की कहानी अगले सेशन में आप देखेंगे. थैंक यू एंड बाय.